सो आज का फर्स्ट वर्ड है संक्रमण। संक्रमण को इंग्लिश में कहेंगे इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इन्फेक्शन मतलब संक्रमण। नेक्स्ट वर्ड है संक्रमित। संक्रमित को इंग्लिश में कहेंगे इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड मतलब संक्रमित, जैसे संक्रमित लोग, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे इन्फेक्टेड पीपल। इन्फेक्टेड पीपल। नेक्स्ट है संक्रामक। संक्रामक को हम इंग्लिश में कहेंगे कंटेजियस। कंटेजियस या इन्फेक्शियस, अगर कोई बीमारी किसी के संपर्क या छूने से फैले तो वो बीमारी कंटेजियस है। नेक्स्ट वर्ड है जीवाणु। जीवाणु को इंग्लिश में कहेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। नेक्स्ट है विषाणु। विषाणु को इंग्लिश में कहेंगे वायरस। वायरस वायरस मतलब विषाणु। नेक्स्ट वी हैव रोग। रोग को इंग्लिश में कहेंगे डिजीज। डिजीज मतलब रोग। एंड द नेक्स्ट वन इज रोगी या मरीज। रोगी या मरीज को इंग्लिश में कहेंगे पेशेंट। पेशेंट पेशेंट मतलब मरीज या रोगी। नेक्स्ट है इलाज। इलाज को इंग्लिश में कहेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट मतलब इलाज। नेक्स्ट वी हैव सावधानी या एहतियात। सावधानी या एहतियात को इंग्लिश में कहेंगे प्रिकॉशन। प्रिकॉशन प्रिकॉशन मतलब सावधानी या एहतियात। नेक्स्ट है मुखौटा। मुखौटा को इंग्लिश में कहेंगे मास्क। मास्क मास्क मतलब मुखौटा। नेक्स्ट वी हैव प्रक्षालक। प्रक्षालक को इंग्लिश में कहेंगे सैनिटाइजर। सैनिटाइजर मतलब प्रक्षालक। नेक्स्ट है रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब होता है रोगों से लड़ने की ताकत, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंग्लिश में कहेंगे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। नेक्स्ट है लक्षण। लक्षण को इंग्लिश में कहेंगे सिम्टम। सिम्टम सिम्टम मतलब लक्षण। अब हम लाइन से लक्षण देखेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है खराश। खराश जो गले में हो जाती है, तो खराश को इंग्लिश में कहेंगे सोर थ्रोट। सोर थ्रोट सोर थ्रोट मतलब खराश। नेक्स्ट है बुखार। बुखार को इंग्लिश में कहेंगे फीवर। फीवर मतलब बुखार। नेक्स्ट है जुखाम। जुखाम को इंग्लिश में कहेंगे कोल्ड। कोल्ड मतलब जुखाम। नेक्स्ट है खांसी। खांसी को इंग्लिश में कहेंगे कॉफ। कॉफ मतलब खांसी। और सूखी खांसी को इंग्लिश में कहेंगे ड्राई कॉफ। ड्राई कॉफ मतलब सूखी खांसी। नेक्स्ट है हफनी। हफनी को इंग्लिश में कहेंगे गास्प। गास्प गास्प मतलब हफनी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है उल्टी। उल्टी को इंग्लिश में कहेंगे वॉमिटिंग। वॉमिटिंग वॉमिटिंग मतलब उल्टी। नेक्स्ट है दस्त। दस्त को इंग्लिश में कहेंगे डायरिया। डायरिया डायरिया मतलब दस्त। नेक्स्ट है सिरदर्द। सिरदर्द को इंग्लिश में कहेंगे हेडेक। हेडेक मतलब सिरदर्द। नेक्स्ट है कमर दर्द या पीठ दर्द। कमर दर्द या पीठ दर्द को इंग्लिश में कहेंगे बैक एक। बैक एक। नेक्स्ट है पेट दर्द। पेट दर्द को इंग्लिश में कहेंगे स्टमक एक। स्टमक एक मतलब पेट दर्द। नेक्स्ट है छाला, मुंह का छाला। तो मुंह का छाला को इंग्लिश में कहेंगे माउथ अल्सर। माउथ अल्सर मतलब मुंह का छाला। नेक्स्ट है टीका। टीका को इंग्लिश में कहेंगे वैक्सीन। वैक्सीन वैक्सीन मतलब टीका। नेक्स्ट है टीकाकरण। टीकाकरण को इंग्लिश में कहेंगे वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण। नेक्स्ट है टीका लगाना। टीका लगाना को इंग्लिश में कहेंगे वैक्सीनेट। वैक्सीनेट वैक्सीनेट मतलब टीका लगाना। जैसे सबको टीका लगवाना चाहिए, एवरीवन शुड गेट वैक्सीनेटेड। एवरीवन शुड गेट
वैक्सीनेटेड। नेक्स्ट है खुराक, खुराक को इंग्लिश में कहेंगे डोज। डोज मतलब खुराक, खुराक का मतलब होता है दवा की मात्रा जो एक समय में ली जाती है, दवा की मात्रा। नेक्स्ट है दवा या औषधि, दवा या औषधि को इंग्लिश में कहेंगे मेडिसिन या ड्रग। नेक्स्ट है महामारी, महामारी हम उसको बोलते हैं जो पूरे वर्ल्ड में फैली हो। बाय द वे महामारी को इंग्लिश में कहेंगे पेंडेमिक। पेंडेमिक, पेंडेमिक मतलब महामारी। नेक्स्ट है संगरोध, संगरोध को इंग्लिश में कहेंगे क्वारंटीन। क्वारंटीन मतलब संगरोध। नेक्स्ट है अलग रखना, अलग रखना को इंग्लिश में कहेंगे आइसोलेशन। आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब अलग रखना। क्वारंटीन और आइसोलेशन में अंतर होता है, क्वारंटीन में उसे रखा जाता है जो इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आता है, और आइसोलेशन में उसे रखा जाता है जो इन्फेक्टेड होता है, किसी डिसीज वगैरह से पहले से ही इन्फेक्टेड हो उसे आइसोलेशन में रखा जाता है। ये दोनों आज के क्विज हैं, इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।